स्टेडियम के बाहर मौजूद हूँ। एक हार, दो हार, तीन हार, पिछले साल से लेकर अब तक लगातार 7 शिकस्तों के बाद लाहौर कलंदर ने पहली कामयाबी हासिल की है। लाहौरियों से पूछते हैं, कुछ यकीन भी है कि नहीं? यकीन आया तो पहले तक लोते खुशी दे नाल। लोर लोर आज क्या, मैं सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद दूंगा लाहौर वालों को कि उनकी किस्मत जाग गई है। इस दफा उम्मीद करके आए कि आज इंशाल्लाह लाहौर को जिता के आएंगे और हमने एक करके राणा फवाद साहब के बारे की कहोगे? राणा साहब को आज बहुत खुश होना चाहिए और आज वाकई में खुश होंगे। लाहौरी इस खुशी से सरशार हैं। बहुत शुक्रिया एजाज वसीम बाखरी, आपने उनके तासुरात हमें बताए। स्टेडियम के बाहर मौजूद हूँ। एक हार, दो हार, तीन हार, पिछले साल से लेकर अब तक लगातार 7 शिकस्तों के बाद लाहौर कलंदर ने पहली कामयाबी हासिल की है। लाहौरियों से पूछते हैं, कुछ यकीन भी है कि नहीं? यकीन आया तो पहले तक लोते खुशी दे नाल। लोर लोर आज क्या, मैं सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद दूंगा लाहौर वालों को कि उनकी किस्मत जाग गई है। इस दफा उम्मीद करके आए कि आज इंशाल्लाह लाहौर को जिता के आएंगे और हमने एक करके राणा फवाद साहब के बारे की कहोगे? राणा साहब को आज बहुत खुश होना चाहिए और आज वाकई में खुश होंगे। लाहौरी इस खुशी से सरशार हैं। बहुत शुक्रिया एजाज वसीम बाखरी, आपने उनके तासुरात हमें बताए। स्टेडियम के बाहर मौजूद हूँ। एक हार, दो हार, तीन हार, पिछले साल से लेकर अब तक लगातार 7 शिकस्तों के बाद लाहौर कलंदर ने पहली कामयाबी हासिल की है। लाहौरियों से पूछते हैं, कुछ यकीन भी है कि नहीं? यकीन आया तो पहले तक लोते खुशी दे नाल। लोर लोर आज क्या, मैं सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद दूंगा लाहौर वालों को कि उनकी किस्मत जाग गई है। इस दफा उम्मीद करके आए कि आज इंशाल्लाह लाहौर को जिता के आएंगे और हमने एक करके राणा फवाद साहब के बारे की कहोगे? राणा साहब को आज बहुत खुश होना चाहिए और आज वाकई में खुश होंगे। लाहौरी इस खुशी से सरशार हैं। बहुत शुक्रिया एजाज वसीम बाखरी, आपने उनके तासुरात हमें बताए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।